हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं दूसरी टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है मैटर का, वह है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, खाली जगह होता है। ठीक है, जैसा कि आपने इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर साल्ट डिटॉल आर पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। ठीक है, जैसा कि आपने एक्टिविटी पहले सेकेंड में देखा, जब आपने वाटर में सुगर को, साल्ट को या फिर डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट को आपने घोला था, तो लेबल, वाटर का जो लेबल था बीकर में, वह चेंज नहीं हुआ था। जबकि जो साल्ट थे, नमक थे, वे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो खाली जगह थे उसमें वह चले गए थे। ठीक है, इससे यह पता चलता है कि मैटर्स के पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं, खाली जगह होते हैं, और उन खाली जगह में साल्ट, सुगर, पोटेशियम परमैंगनेट या डिटॉल जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर साल्ट डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर्स। ठीक है, ठीक उसी तरह से व्हेन वी मेक टी, कॉफी और लेमोनेड। ठीक है, तो जब आप चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं या फिर नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, लेमोनेड बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो उस समय उसको बनाने के लिए जितना आप पार्टिकल्स यूज करते हैं, चाय बनाने के लिए उसके कुछ कंस्टिट्यूएंट होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि आप शुगर लेंगे, चाय पत्ती लेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी और सारे पदार्थ को आप उसमें मिला सकते हैं, कॉफ़ी बनाने में भी उसी तरह से, नींबू पानी बनाने में भी आप कंस्टिट्यूएंट को लेंगे, पार्टिकल्स को लेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे, तो क्या होगा, तो आप देखेंगे मिक्स होने के बाद अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं वे मैटर के स्पेस में चले जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो क्रियाकलाप आपका एक्टिविटी फर्स्ट और सेकंड था, में नमक, शर्करा, डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो थे वे समान रूप से पानी में वितरित हो गए थे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब आप चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, शामिल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, सो दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिससे यह प्रदर्शित हो रहा है, इससे यह प्रूफ हो रहा है कि पदार्थ के, मैटर के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स में पर्याप्त एनफ मात्रा में खाली जगह होता है जिसमें पार्टिकल्स चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने यह प्रूव किया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होता है जहां पर अन्य पार्टिकल्स जो है चले जाते हैं। ठीक है, यह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप पढ़ रहे हैं, पहला आपने पढ़ा, आइए दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, वह है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे कंटिन्यूअस रूप से लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, किस एक्टिविटी, आप कौन सा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स जो हैं
वे लगातार मूव करते हैं। तो आइए एक एक्टिविटी के माध्यम से इसको प्रूव करते हैं। पुट एन अनलाइट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास, ठीक है, अपने क्लास के कॉर्नर में एक किनारे में एक अनलाइट इंसेंस स्टिक, बिना जली हुई अर्थात बुझी हुई मोमबत्ती को, अगरबत्ती को रख दीजिए, ठीक है, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें, ठीक है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल, ठीक है, उसकी स्मेल को पाने के लिए उस बुझी हुई मोमबत्ती, ठीक है, उस बुझी हुई अगरबत्ती, ठीक है, के स्मेल को पाने के लिए, महक को पाने के लिए आपको उसके कितने नजदीक जाना पड़ता है। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, अब जो है अगरबत्ती को आप जला दीजिए, ठीक है, इंसेंस स्टिक को जला दीजिए। व्हाट हैपेंस, क्या होगा, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, क्या जो है आपको महक दूर से ही इसकी मिलती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। तो जब आप अपने क्लास के एक कोने में एक अनलाइट इंसेंस स्टिक को, बिना जली हुई अगरबत्ती को रखेंगे, तो उसकी महक तभी आपको मिल सकती है जब आप उसके नजदीक जाएं। लेकिन जब उसी अगरबत्ती को आप जला देंगे तो आप दूर से ही उसकी महक ले सकते हैं, उसकी स्मेल ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका आंसर हम लोग आगे देखेंगे कि ऐसा काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है कि जब पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वह मूव करता है और दूर तक चला जाता है, ठीक है। अगरबत्ती जो है जली हुई नहीं थी तो उसके पास जो है उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी जिससे वह मूव कर सके, इसलिए उसको महक लेने के लिए पास जाना पड़ता था। लेकिन जब अगरबत्ती को आपने जला दिया है तो उसमें हीट उसको मिला है, काइनेटिक एनर्जी मिली है जिससे वह एनर्जी दूर तक पहुंच रही है स्मेल के माध्यम से, ठीक है। आइए एक और एक्टिविटी देखते हैं। टेक टू ग्लासेस बीकर फिल्ड विद वाटर, ठीक है, दो ग्लास या बीकर लीजिए जिसे आप वाटर से भर दीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू आर रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, ठीक है। तो अब आपको, आपने दो ग्लास या फिर दो बीकर ले लिया है जिसमें, जिसको वाटर से भर दिए हैं, ठीक है। अब उसमें आपको ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का इंक, ठीक है, डालना है, ठीक है, फर्स्ट बीकर में। पहले बीकर में आपके पास दो बीकर है जो वाटर से आप फिल किए हुए हैं, पहले बीकर में या तो ब्लू कलर का या फिर रेड कलर का इंक जो है उसमें धीरे से उसमें डालिए और उसको देखिए क्या हो रहा है। और दूसरे बीकर में हनी, ठीक है, मधु डालिए सेकेंड बीकर में और उसको देखिए क्या हो रहा है। तो जब आप पहले बीकर में ब्लू या रेड कलर की इंक डालेंगे ड्रॉप के रूप में तो आप देखेंगे वे तेजी से फैलने लगेगा, पूरे वाटर में फैल जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे वाले बीकर में हनी डालेंगे, मधु डालेंगे, तो वह उतनी तेजी से नहीं फैलेगा, ठीक है, मधु जो है गिरेगा सीधा रस्सी की तरह गिरेगा उसमें, तो बहुत स्लो तरीके से मूवमेंट होगा उसमें। लेकिन जो रेड या ब्लू इंक है उसमें फास्ट मूवमेंट होगा, ठीक है। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस आर इन कॉर्नर ऑफ द क्लास, अब इसको जो है बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने घर पे या फिर इस क्लास के किनारे पे रख दीजिए। पहले में आपने ड्रॉप ब्लू इंक या रेड इंक डाला है और दूसरे ग्लास में आपने हनी डाला है,
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए, देखिए उसमें क्या हो रहा है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया इंक ड्रॉप के डालने के बाद, तुरंत आपने क्या देखा. तो जब आप इंक ड्रॉप को डालेंगे तो आप देखेंगे कि वह जो कलर है वह पूरे वाटर में तेजी से फैल जाएगा. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी. जब आपने हनी की बूंद डाला है तो तुरंत बाद आपने क्या देखा, तो हनी आप डालेंगे तो वह उतनी फास्ट तरीके से नहीं फैलेगा वाटर में. ठीक है, वह सीधा नीचे जाके टकराएगा, उतनी तेजी से नहीं फैलेगा. हाउ मेनी आवर आर डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवेंटली थ्रू आउट द वाटर. ठीक है, ठीक है, स्याही जो आपका कलर है वह एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लग जाएंगे. वाटर में इसको कंप्लीट रूप से फैलने में पूरे वाटर में कितने घंटे या दिन लगते हैं. ठीक है, ये आप ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके बाद ही पता करेंगे चल पाएगा कि कितने समय में फैलता है पूरे वाटर में. ठीक है, तो एक्टिविटी 4 में आपने क्या किया, एक्टिविटी 4 को करने के लिए आपने टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विथ वाटर, जल से भरा हुआ 2 ग्लास या फिर 2 बीकर आपने लिया. ठीक है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू आर रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर. ठीक है, तो आपने क्या किया इसके लिए, पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी पूर्वक एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दिया आपने और दूसरे में शहद डाल दिया. इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर आपने क्या ऐड किया, हनी डाल दिया. ठीक है, लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस आर इन ए कॉर्नर ऑफ क्लास. ठीक है, यह अपने घर में या फिर क्लास के एक कोने में इसको रख दें. ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने प्रेक्षण को नोट करें क्या हो रहा है. ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप. स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी. ठीक है, हनी की बूंद डालने के बाद आपने क्या देखा. हाउ मेनी आवर आर डेज डज इट टेक फॉर ए कलर टू ऑफ इंक टू स्प्रेड इवेंटली थ्रू आउट द वाटर. ठीक है, जो इंक है उसका कलर पूरे वाटर में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं. ठीक है, यह एक्टिविटी आपकी 4 थी. नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 5, इसको देखे ध्यान से. ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, आर पोटेशियम पर मैग्नेट इन टू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. ठीक है, तो आप जो है एक गिलास जो है हॉट वाटर चाहिए और आपको एक गिलास जो है कोल्ड वाटर चाहिए. ठीक है, तो एक गिलास गर्म पानी और दूसरा जो है आपका ठंडा पानी होगा. ठीक है, इसमें आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट के क्रिस्टल को डालना है. ठीक है, उसको डाल दीजिए. ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल, ड्रॉप ए क्रिस्टल, ठीक है, आप कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट. ठीक है, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट के क्रिस्टल को ड्रॉप कीजिए, डालिए इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. ठीक है, आपके पास ग्लास है दो, एक में गर्म पानी है और एक में ठंडा पानी है, उनमें आपको कॉपर सल्फेट के टुकड़े को डालना है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े को डालना है, क्रिस्टल को डालना है. डू नॉट स्टायर द सोल्यूशन. ठीक है, आपको सोल्यूशन को हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, हिलाएं नहीं इसको. अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम. ठीक है, क्रिस्टल को बॉटम में बैठने दीजिए, क्रिस्टल को सतह पे बैठने दें. व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास. ठीक है, ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है.
व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? सॉलिड क्रिस्टल के ग्लास के ऊपर सतह पे आपको क्या दिखाई देता है? ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? व्हाट हैपन एज टाइम पासेस? समय बीतने पर क्या क्या होता है? समय बीतने पर क्या होता है? व्हाट डज द सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? ठीक है, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स में क्या क्या पता चलता है? ठीक है, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स? जो सॉलिड एंड लिक्विड हैं, उनके पार्टिकल्स के बारे में क्या पता चलता है हमें? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? क्या जो मिक्सिंग का रेट है वह टेम्परेचर से परिवर्तित हो रहा है? व्हाई एंड हाउ? क्यों और कैसे ऐसा होता है? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप एक हॉट वाटर लेंगे और एक कोल्ड वाटर लेंगे और उसमें कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल आप डालेंगे, तो आप देखेंगे कि कोल्ड वाटर में थोड़ा स्लो मिक्सिंग होती है, जबकि जो हॉट वाटर होता है उसमें फास्ट मिक्सिंग होती है। ठीक है, फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटी, ऊपर आपने तीन एक्टिविटी परफॉर्म किया, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरे में आपने अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाया था या पहले नहीं जलाया था? जब नहीं जलाए थे तो उसको महक लेने के लिए उसके नजदीक जाना पड़ता था, लेकिन जब जल गया था तो उसकी महक दूर से ही मिल जाती थी। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने दो बीकर लिया था जिसे वाटर से फिल किया था, एक में आपने कलर ब्लू या रेड इंक डाला था सावधानी पूर्वक, और दूसरे में आपने हनी डाला था, और उसमें कैसे वह डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट रहा है, मिल रहा है, इसके बारे में आपने अध्ययन किया था। तीसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जो पांचवा था, उसमें आपने एक हॉट वाटर का बीकर लिया है और एक कोल्ड वाटर का, जिसमें आप क्रिस्टल डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट या पोटेशियम सल्फेट का, और उसकी एक्टिविटी को देख रहे हैं। ठीक है, इन सारे एक्टिविटी से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? ठीक है, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें जो सूचनाएं मिलती हैं वो समझे ध्यान से। जो भी आपने एक्टिविटी परफॉर्म किया, इससे हमें यह जानकारी मिली कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे लगातार मूव करते रहते हैं। दैट इज दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। आपने अगर बत्ती को जलाया था तो वह मूव करके दूर तक पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे लगातार मूव करते रहते हैं, बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी। दैट इज दे हैव प्रोसेस विद विल कॉल द काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल मूव कर रहा है कंटिन्यूअस, उसको आप क्या कहेंगे? उसे आप काइनेटिक एनर्जी के रूप में कहेंगे। एज द टेम्परेचर राइजेज, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल मूव फास्टर। पार्टिकल्स जो होंगे वे तेजी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो आप जो आपने पांचवा जो एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कॉपर सल्फेट के ड्रॉप जो क्रिस्टल को आपने डाला था, ठीक है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को डाला था, तो जो हॉट वाटर था उसमें तेजी से पार्टिकल का मूवमेंट हुआ था, जबकि कोल्ड वाटर में पार्टिकल का मूवमेंट उतना तेज नहीं हुआ था। So we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of particle also increase. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, जिससे पार्टिकल फास्ट मूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि जो भी आपने एक्टिविटी किया उससे आपको क्या रिजल्ट मिला। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, जो मैटर के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वे निरंतर मूव करते रहते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं।
दैट इज अर्थात दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी गति तेज हो जाती है. सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज. इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, कणों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है. ठीक है, इन द एबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट. ठीक है, ऊपर के तीनों एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म किया उसे आपने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या देखा, उसे हमें यह जानकारी मिली कि पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, अंतः मिश्रित हो जाते हैं. ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी जो आपने किया उसमें आपने देखा कि मैटर के कण जो हैं, मैटर के पार्टिकल्स जो हैं, वे अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं. जैसे वाटर के साथ जो है कॉपर सल्फेट मिक्स हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स हो गया था, ठीक है, स्याही मिक्स हो गई, जो आपका हनी था वह मिक्स हो गया. उसको मिक्स नहीं करना पड़ा, आपने उसको रख दिया है बिना डिस्टर्ब किए, अपने आप मिक्स हो गए. तो इन सब एक्टिविटी से हमें यह जानकारी मिली कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे स्वतः आपस में मिक्स हो जाते हैं. दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, यह ऐसा क्यों होता है कि वो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में खाली जगह होता है. ठीक है, ऐसा कणों के रिक्त स्थान में चले जाने के कारण होता है, खाली जगह में चले जाने के कारण होता है, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं. मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, मिक्सिंग का मतलब हुआ वाटर में साल्ट मिक्स हो गया, इसका मतलब वाटर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में स्पेस था, खाली जगह था, वहां साल्ट के मॉलिक्यूल चले गए, अर्थात वो मिक्स हो गए. ठीक है, तो दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, तो दो अलग तरह के, दो डिफरेंट टाइप के मैटर का आपस में इंटरमिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है. ठीक है, दो अलग पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, जिसे हिंदी में विसरण कहते हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, दो अलग अलग टाइप्स के, ठीक है, पार्टिकल्स का आपर में आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाना मैटर में, उसे डिफ्यूजन कहते हैं. व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल मिक्स ईच अदर. ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके, We also observe that on heating, ठीक है, हमने यह भी देखा कि गर्म करने पर diffusion become faster, diffusion है वह तेज हो जाता है. ठीक है, गर्म करने पर जो intermixing है वह fast हो जाता है, तेज हो जाता है. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी kinetic energy बढ़ जाती है. जब आप गर्म करते हैं तो उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने जो 3, 4 और 5 एक्टिविटी किया था उसका रिजल्ट आपने देखा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे निरंतर गतिशील होते हैं. दैट इज अर्थात दे पॉसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी,
ठीक है, अर्थात उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल मूव फास्टर, तापमान बढ़ने से पार्टिकल्स की गति तेज हो जाती है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन द अबव थ्री एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट, ठीक है, ऊपर के जो भी आपने तीन एक्टिविटी किया उससे आपको यह ज्ञात हुआ कि पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। ठीक है, पदार्थ के जो कण होते हैं वे अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। ऐसा जो है कणों के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाने के कारण होता है, जो उनमें खाली स्पेस होता है उसमें चले जाने के कारण होता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, दो अलग अलग पदार्थों के पार्टिकल्स का स्वतः मिलना ही डिफ्यूजन कहलाता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग, ठीक है, हमें यह भी पता चला कि हीटिंग के द्वारा गर्म करने से डिफ्यूजन बिकम फास्टर, डिफ्यूजन तेज हो जाता है। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, इसलिए डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एक्टिविटी के माध्यम से कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सिक्स नंबर, प्ले दिस गेम इन द फील्ड। ठीक है, इस गेम को आपको फील्ड में खेलना है। मेक फोर ग्रुप ऑफ फ्रॉम ह्यूमन चैन एज सजेस्टेड। इसके लिए आपको ह्यूमन चैन, मानव श्रृंखला का चार ग्रुप बनाना है। ठीक है, मेक फोर ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन चैन एज सजेस्टेड, ऐसा आपको बताया जा रहा है, उसी अनुसार आपको फोर ग्रुप ह्यूमन चैन का तैयार करना है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक, ठीक है, इदू मुस, ठीक है, मुस्मी डांसर्स, ठीक है, इदू मुस्मी डांसर्स की तरह, ठीक है, आपको पीछे से बैक साइड से हाथों को पकड़ के लॉक कर लेना है, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, यह बिहू नर्तक लोग हैं, बिहू नर्तक जिसे कहेंगे, इदू मुस्मी डांसर्स कहेंगे इसको, जिसमें पीछे से आप देख रहे हैं हैंड एक दूसरे को लॉक कर दिया गया है और आपस में मजबूती से यह आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यह पहला ग्रुप इस तरह से जुड़ेगा। दूसरा जो ग्रुप है वह कैसे जुड़ेगा, द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड टू फॉर्म अ ह्यूमन चैन। जो सेकेंड ग्रुप होगा वह जो है हाथ पकड़ा रहेगा, केवल सेकेंड ग्रुप जो है केवल हाथ को पकड़ा रहेगा, न कि अच्छे तरीके से जैसे आप हाथ में हाथ डाल के देख रहे हैं मजबूती से लॉक किया गया है इसमें, लेकिन इसमें दूसरे ग्रुप को केवल पकड़ने के लिए कहा जा रहा है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चैन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। जो थर्ड ग्रुप तैयार होगा वह जो है केवल अपने अंगुलियों से टच करेगा। ठीक है, थर्ड ग्रुप जो है एक दूसरे को केवल अपने अंगुलियों से टच किए रहेगा। ठीक है, तो आप जो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए आप एक प्ले कर रहे हैं दिस गेम इन द फील्ड में। इसके लिए आप फोर ग्रुप तैयार किए हैं ह्यूमन चैन का। पहला जो ह्यूमन चैन है उसमें बिहू नर्तकों की तरह, इंडू मिस्मी डांसर्स की तरह जो है हैंड को पीछे से लॉक किया गया है, दूसरे ग्रुप को केवल हैंड को पकड़ा गया है और तीसरे ग्रुप में अंगुलियों को केवल टच किया गया है। ठीक है, अब आप जो चौथा ग्रुप तैयार करेंगे, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द थ्री ह्यूमन चैन वन बाय वन इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। जो आपका चौथा ग्रुप होगा वह इन तीनों ग्रुप
के सदस्यों को अलग करने की कोशिश करेगा, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। चौथा ग्रुप यह करेगा, विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक, कौन सा ग्रुप जो होगा वह आसानी से टूट जाएगा, वाई और क्यों टूट जाएगा। तो अगर आप सोचें तो आसानी से कौन सा ग्रुप टूटेगा, जो अपने फिंगर टच केवल हुआ है, केवल फिंगर टच करके खड़े हैं, वह ग्रुप आसानी से टूट जाएगा। कौन नहीं टूटेगा, जो अब पीछे से लॉक किए हैं, हिंदू, ठीक है, हिंदू मिस्मी डांसर्स जो पीछे से अपने हाथों को लॉक किए हैं, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। इफ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, यदि हम प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर माने, ठीक है, यदि हम प्रत्येक स्टूडेंट को क्या माने, मैटर का पार्टिकल्स माने, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स, तो किस ग्रुप के पार्टिकल्स जो हैं मैक्सिमम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं। तो जो पहला ग्रुप है उसमें मैक्सिमम फोर्स से पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, ठीक है, यह आपने देखा। अब एक्टिविटी देखते हैं, नेक्स्ट सेवन एक्टिविटी, टेक एन आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल लीजिए, लोहे का कांटी लीजिए, अ पीस ऑफ चाक, चाक का टुकड़ा लीजिए, एंड ए रबर बैंड, और एक रबर बैंड लीजिए, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग आर स्ट्रेसिंग, अब जो है इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, हैमरिंग कीजिए, उस पर हथौड़ा से मारिए, कटिंग काटिए उसको, या फिर स्ट्रेचिंग उसको फैलाइए। इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टूगेदर विद ग्रेटर फोर्स, इन तीनों सब्सटेंस में किसमें पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को मजबूती से बांधे रखेंगे। तो आप देखेंगे जो आयरन नेल है उसमें पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए हैं, क्योंकि हैमरिंग के कारण भी वह टूटेंगे नहीं। चाक के पार्टिकल्स जो हैं उतने मजबूती से नहीं बंधे हुए हैं, क्योंकि हैमरिंग के कारण वह टूट के अलग हो जाएंगे। रबर बैंड, ठीक है, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, फैला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक्टिविटी सेवन में देखा कि एक लोहे की कील, एक चाक का टुकड़ा और एक रबर का बैंड लें, इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे तोड़ने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आपको यह पता चलेगा कि जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स जो हैं मजबूती से बंधे हुए हैं। एक और एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 8, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में कुछ वाटर लीजिए, ठीक है, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, ठीक है, अब उसको अपने फिंगर से उसको काटने की कोशिश कीजिए। टेक सम वाटर इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में, एक बर्तन में आपने पानी लिया है, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स से उस वाटर के सरफेस को काटिए, ट्राई कीजिए। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप सरफेस ऑफ वाटर को काट पाएंगे? नो, क्योंकि जो ही आपका उंगली हटेगा तुरंत फिर आप जुड़ जाएंगे भी। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या रीजन है कि वाटर के सरफेस फिर एक दूसरे के नजदीक आ जा रहे हैं आपका फिंगर हटते ही? क्योंकि उनमें आपस में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण वो एक दूसरे पे फिर अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, एक दूसरे के पास आ जा रहे हैं। तो आपने ये जो तीनों एक्टिविटी परफॉर्म किया, 6, 7 और 8, जिसमें आप ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इन तीनों एक्टिविटी में आपको क्या रिजल्ट मिला? द एबव थ्री एक्टिविटीज 6, 7 and 8 सजेस्ट दैट, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स लगता है, एक बल कार्य करता है,
मैटर के कणों के बीच में एक फोर्स कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, यही फोर्स जो है उन पार्टिकल्स को साथ साथ रखता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी से आपको यह जानकारी मिली कि पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स कार्य करता है और यही फोर्स जो है उन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वे वेरीज करते हैं मैटर टू मैटर, अलग अलग मैटर में यह फोर्स का स्ट्रेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपने नेल में देखा, आयरन नेल में फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। चाक में आपने देखा फोर्स की वैल्यू कम है। ठीक है, तो यह जो फोर्स है वह अलग अलग मैटर में अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो द एवब थ्री एक्टिविटी 6, 7 and 8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य जो है वह प्रत्येक मैटर में अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।